हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपको आपकी डाइट रिजल्ट क्यों नहीं देती उसके बारे में बताऊंगी, तो एंड तक देखिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमने वेट कम करने के लिए ऐसा किया वैसा किया, बट वेट कम होने के बजाय बढ़ रहा है। तो आज मैं उसके रीजंस बताऊंगी। कई लोग 10 से 15 किलो वेट कम कर लेते हैं और थोड़े महीने में फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसके कई रीजंस हैं, कई सच्चाइयां हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स में एक्सपीरियंस की हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कई लोग मेडिसिन पर थे, उनका वेट तो कम हुआ ही पर मेडिसिन भी कम हो गई या बंद हो गई। तो डाइट का कितना फ़ायदा है कि वो आपका वेट रिवर्स कर देती है और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी, डायबिटीज़, बीपी, फैटी लिवर, पीसीओडी, पीसीओएस, लिवर सिरोसिस, हार्ट इश्यूज़ एट्सेट्रा, ये सब भी नॉर्मल कर देती है या इनकी मेडिसिंस कम कर देती है। तो डाइट से क्या क्या रिवर्स होता है आज उसकी बात करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ नॉर्मल हो जाती हैं, मेडिसिंस कम हो जाती हैं, वेट जो है वो कम हो जाता है, मसल लॉस होता है वो नॉर्मल हो जाता है, आप फिर से यंग दिखने लगते हैं, कम से कम 10 साल यंगर देन योर एज, फिट हो जाते हैं। कई लोग वेट की वजह से चल नहीं सकते, वो दौड़ने लगते हैं, जिनको सांस चढ़ता है वो नॉर्मल चलने लगते हैं, उनकी गैस की, एसिडिटी जो प्रॉब्लम है वो सब नॉर्मल हो जाती है। मेरे क्लाइंट्स ने ये सब एक्सपीरियंस किया है और ये सब कैसे होगा, सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके। आप सब सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, और उसके साथ बिस्किट भी खा लेते हैं, तो उसकी जगह फ्रूट खाएं, स्मूदीज पिएं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। सिर्फ इतना सा काम करना है और ऐसी गलतियों को सुधारना है। हमारी बॉडी में नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म होता है जो आप अपनी हैबिट्स चेंज करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गलतियाँ बंद करें और हीलिंग एक्टिवेट करें। तो अब बात करते हैं कि आपका वेट कम क्यों नहीं होता। फर्स्ट फैक्ट या सच्चाई जो मैंने देखी है लोगों में, जो वो गलती करते हैं जिस वजह से उनका वेट नहीं जाता, वो है कि सबसे पहले आप अपनी गलतियाँ ढूंढें, रूट कॉज ढूंढें, आपका वेट गेन क्यों हो रहा है उसको ढूंढें, कि आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहते हैं, मेन मील लिया, उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन कर गया, उसके बाद कुछ नमकीन खा लें। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता रहता है। हम कुछ भी खाते हैं तो वो शुगर में ब्रेक डाउन होता है और इंसुलिन बन जाता है, और इंसुलिन अगर वो यूज़ ना किया जाए बॉडी से तो वो फैट बन जाता है। दूसरी सच्चाई की बात करते हैं, ये एक प्रोसेस है। वेट गेन या ओबेसिटी एक बीमारी है जो हफ्ता डाइट करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि मैजिक हो जाए एक हफ्ते में और आप अपना सारा वेट जो है वो लॉस कर लें। आपको उसको रिजल्ट मिलने में महीना लग सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टाइम होता है, तो उस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। इसमें भी काफ़ी फेजेस हैं, तो उन फेजेस के बारे में बताती हूँ। फेज़ वन की बात करते हैं, इसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एकदम सुबह ही उठते ही चाय नहीं छूट जाएगी आपकी, 3-4 दिन लगेंगे, 5वें दिन जाके कहीं आप छोड़ेंगे उस चाय को, तो कई लोगों को तो हफ्ते या महीने लग जाते हैं इसको एडजस्ट करने में। सेकंड फेज है कि उसको आप बराबर कॉन्टिन्यूस रखें हैबिट को, जैसे फर्स्ट डिटॉक्स किया आपने बॉडी, फिर डाइट फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद जब तक आप इस स्टेज में होते हैं आप 10-15 किलो कम कर लेते हैं। फेज थ्री में ज़रूरत होती है कि वेट ट्रेनिंग करें आप। अब डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मेडिटेशन करें। फोर्थ फेज़ में आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको प्रोसेस समझ आ गया और आपने ये लाइफस्टाइल अपना लिया है। इसको 10 से 12 महीने भी लग सकते हैं, बट बी पेशेंट। और ये वेट वापस नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जब तक फॉलो करेंगे बॉडी रिजल्ट देगी। जब छोड़ दिया तो बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। जिसको भी वेट लॉस करना है, गिव योरसेल्फ 1 ईयर। भले ही आपने गोल अचीव कर लिया हो, बट वेट मेंटेन करने में टाइम लगेगा। वेट लॉस में तीसरी सच्चाई जो मैंने देखी है, वो वेट लॉस सबका इक्वल नहीं होता, या हर 3-4 दिन में आपका 1 किलो नहीं जाएगा। कई बार वेट स्टक हो जाता है, कई बार सिर्फ इंच लॉस ही शो होता है,
तो इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है। चौथी सच्चाई जो देखने में मिलती है कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है, सबकी टेंशन्स अलग हैं, लाइफस्टाइल अलग है, किसी का भी सिस्टम सेम नहीं है। तो इंडिविजुअल के हिसाब से अगर डाइट बनाई जाए तो वर्क करेगी, तभी मैं कस्टमाइज्ड डाइट देती हूँ जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। कई लोगों में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या उनमें माइल्ड इन्फेक्शन भी होता है, ये लेट खाने या लेट सोने से होता है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। सेकेंड प्रॉब्लम जो लोगों में देखी जाती है वो है कि किसी में डेफिशिएंसी B12 की है, कईयों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, कईयों में कैल्शियम, वाइटामिन डी जैसी डेफिशिएंसीज भी होती हैं। तभी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डाइट बनाई जाती है जिससे कि उनकी डेफिशिएंसीज भी ठीक हो जाएँ और उनको रिजल्ट्स भी मिले, उनका वेट लॉस भी हो और उनकी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिस वजह से वेट नहीं जाता। किसी को थायराइड है या PCOD, PCOS या लेप्टिन हार्मोन्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम है, या टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हैं, या एस्ट्रोजन जो फीमेल में हार्मोन्स हैं उनमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट गेन ही होता है। तो ये डाइट में ठीक करना होता है और डाइट से ठीक भी हो जाता है। तो सबका सल्यूशन डाइट ही है, तो क्यों ना अच्छी डाइट लेना आज से ही शुरू करें। चौथी प्रॉब्लम जो देखी गई है कि बहुत ज़्यादा मोटे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें भूख ज़्यादा लगती है तो डाइट भी उनके हिसाब से ही बनाई जाती है। पांचवा रीज़न है कि कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं रिलेटेड टू किडनी, लिवर, हार्ट, नर्व्स एट्सेट्रा, तो जिनको ये हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी डाइट उस हिसाब से बनाई जाती है कि उनका वेट लॉस भी हो और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। यूरिक एसिड में कस्टमाइज डाइट बनाते हैं जिसमें 1 से 2 महीने में ही रिलीफ मिल जाता है विदाउट मेडिसिन। मेरे कई फैटी लिवर के क्लाइंट्स हैं सिर्फ डाइट से ही क्योर हुए हैं, डायबिटीज़ में मेडिसिंस कम हुई हैं लोगों की और कईयों की तो बंद भी हो गई हैं, PCOD नॉर्मल किया है मैंने, एंड नर्व्स के लिए डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बताती हूँ जिससे कि उनको बहुत रिलीफ मिलता है। लोगों की एसिडिटी के इश्यूज भी 1 महीने में ही ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो देखा गया है, एक्सरसाइज लिमिटेशंस होती हैं कई लोगों में, नी पेन है तो हम चल नहीं सकते, फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने दिमाग में बिठा लिया होता है कि अब हम ये नहीं कर सकते। कई लोग थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है कि हमें हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। रिजिडिटी भी वेट लॉस ना होने का बहुत बड़ा रीज़न है। हम खुद को इतना लिमिट कर देते हैं कि मुझे तो खाना ही खाना है, रोटी के बिना मेरा चलेगा नहीं, तो ऐसे वेट लॉस मुश्किल है। कई लोगों में स्ट्रेसफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वेट गेन का। लोगों में लैक ऑफ मोटिवेशन देखा जाता है, लोगों को वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए क्योंकि आपको सुंदर दिखना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, किसी का फंक्शन या मैरिज आ रही है तो आप उसके लिए पतले हो जाइए, तो ऐसे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है। पांचवा सच या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है आपकी हैबिट्स हैं। मैं इतने बजे उठती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, आपकी हैबिट्स चेंज करना बहुत मुश्किल है। आप एक ही विषय सर्कल में घूमे जा रहे हैं और आपने अपनी हैबिट्स को फिक्स कर लिया है, ये चेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वेट लॉस के लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तभी डाइटिशियन की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करे, आपकी मेंटर बन सके और आपको बता सके कि आपको कितना खाना है, कब खाना है और आपको रिजल्ट भी दे सके। तो अभी फ़ोन कीजिए और कॉल कीजिए अपने डाइट प्लान के लिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पता सबको है पर करता कोई नहीं है। हमें वॉक करनी है सबको पता है पर करते नहीं हैं। बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है कि चल रहा है, अभी तक मेडिसिंस नहीं लगी तो चल रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा तो चल रहा है, अभी बॉडी स्टिफ नहीं हुई या पेन स्टार्ट नहीं हुए बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी जड़ है वेट गेन की।
छेवी सच्चाई या एक्सपीरियंस जो है मेरा वो ये कहता है, अटेम्प्टिंग अलोन गिव्स लिमिटेड सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप घर पर अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते या आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट अगर डाइटिशियन के अंडर अगर आप वेट कम करेंगे तो आप स्टार्व नहीं करेंगे, डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, स्किन ग्लो आपका प्रॉपर रहेगा या स्किन लूजनिंग नहीं होंगी। जब भी आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जुड़ते हैं तब ही आपका वेट लूज अच्छा होता है और रिजल्ट जल्दी दिखते हैं और प्रिडिक्टेबल भी। सेवन सच्चाई ये है कि अगर एक बार आपने गोल अचीव कर लिया और आपका अचीव हो गया गोल, तो उसके बाद जो आपकी खुशी आपको मिलती है और उसके साथ अगर स्किन ग्लो करने लगे और हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएं, तो सोने पे सुहागा। तो जब भी वेट लॉस की डाइट स्टार्ट करें तो गोल अचीव ज़रूर करें। पूरा प्रोसेस है, टाइम ज़रूर लगेगा, बट डोंट गिव अप। एक बार वेट लॉस होने लगेगा तो आपका गोल अचीव हो ही जाएगा। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने 32 केजीज वेट लॉस किया है और आज भी मेरे साथ जुड़ी हैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए कि उनका वेट दोबारा ना बढ़ जाए। मेरे कई क्लाइंट्स ने 20 किलो, 25 किलो, 35 किलो कम किया है, उसके साथ साथ उनकी डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो कम हुई हैं, फैटी लिवर नॉर्मल हुआ है, लेडीज़ में, गर्ल्स में PCOD, PCOS नॉर्मल हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाइट से ही ठीक होती हैं। तो आज से ही डाइट प्लान लीजिए और आज से ही अपने रिजल्ट देखने शुरू कीजिए। आज ही बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कॉल करें। आज की वीडियो मेरा एक्सपीरियंस थे जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने लोगों को और उनके बॉडी और बॉडी बिहेवियर को नोटिस करके मैंने आपके लिए बनाया है, आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि लोगों को अपना वेट ना जाने का रीज़न पता चले और वो मोटिवेट हों आगे कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। कोई भी क्वेरी हो या डाइट प्लान रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।